हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2.0 मूवी के टीजर के बारे में, क्योंकि इस टीजर को लेकर काफी लोग ये कह रहे हैं कि इस फिल्म का VFX अच्छा नहीं है, और यहाँ तक कि फैंस ने ये भी कहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। नल तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2.0 के तीन भाषा में ट्रेलर रिलीज किए गए हैं, जिनमें से हिंदी को छोड़ दिया जाए तो तमिल और तेलुगु में भी इस फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया है, और लगभग 7 घंटे के ऊपर हो गया है इन तीनों ट्रेलर को रिलीज होकर। इनमें से तमिल टीजर अब तक 5 मिलियन को क्रॉस कर चुका है, और बाकी तेलुगु और हिंदी ट्रेलर 3 मिलियन को क्रॉस कर चुका है, लेकिन फिर भी ट्रेंडिंग के पेज पर हिंदी ट्रेलर ट्रेंडिंग 1 पर दिखा रहा है। वेल, ऐसा क्यों है उसकी तो मुझे डिटेल नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस टीजर के बारे में कि लोग क्या फैंस कह लो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके साथ में धोखा हुआ है। तो पहली बात, आप सबको पता होगी कि कुछ महीने पहले 2.0 का यही टीजर लीक कर दिया गया था, लेकिन उस टीजर में VFX का काम लगभग ना के बराबर था, इसलिए वो टीजर किसी को भी सीधी तरीके से समझ नहीं आ रहा था। इसलिए अब स्टूडियो की तरफ से ऑफिशियली इस टीजर को रिलीज किया गया है, लेकिन देखा जाए तो सच में फैंस के साथ में धोखा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि उनसे एक कॉन्टेस्ट करवाया गया कि आप पार्टिसिपेट करो, और अगर आपका नंबर लग जाएगा तो आप इस फिल्म के टीजर को PVR के थिएटर्स में देख सकते हो, और उन लोगों ने काफी मेहनत कर अपनी सीट बुक करवाई PVR के थिएटर्स में, लेकिन जब वो लोग लंबा ट्रेवलिंग कर इस ट्रेलर को देखने गए तो ट्रेलर बिल्कुल सेम था, बस VFX में काफी ज्यादा फिनिशिंग कर दी गई थी। हालांकि मुझे पता है लीक वीडियोस देखना एक जुर्म है, लेकिन फिर भी इंडिया क्या कोई भी दुनिया में अगर बड़ी चीज की कोई भी छोटी सी चीज लीक हो जाती है तो पूरी दुनिया उसे देख लेती है, और ऐसा ही 2.0 के लीक टीजर के साथ भी हुआ था। इसलिए मुझे लगता है कि स्टूडियो को इस टीजर को चेंज कर देना चाहिए था, ताकि फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाए इस फिल्म को देखने के लिए, लेकिन ये टीजर कहीं ना कहीं थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट करता है। और एग्जांपल मैं आपको दूं इन्फिनिटी वॉर फिल्म की, तो आपको पता है कि कॉमिक कॉन के इवेंट में उस फिल्म का टीजर भी लीक हुआ था, लेकिन वो लीक टीजर और जो ऑफिशियली रिलीज किया गया हुआ ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अलग था, दोनों में कोई भी सिमिलरिटी मैच नहीं कर रही थी। तो ऐसा ही कुछ 2.0 के क्रिएटर्स को भी करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और आप सबको पता है कि ये हमारे इंडिया की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, इसकी डिटेल मैंने इसके ब्रेकडाउन वाले वीडियो में दी थी कि कैसे इस फिल्म का बजट इतना ज्यादा बढ़ गया है, और असल में ये फिल्म उतना लेवल खर्च कर नहीं बनाई गई है। तो अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप जाकर मेरी उस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उस वीडियो को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये बात हो गई इसके टीजर की कि कैसे इसका लीक टीजर आया और इसके लीक टीजर से क्या असर हो रहा है, और अब बात करते हैं इसके VFX की, क्योंकि काफी लोग इस छोटे से टीजर को देखकर भी इसमें कमियां निकाल रहे हैं कि इस फिल्म का VFX अच्छा नहीं है। वेल, मुझे लगता है कि स्टूडियो को ये बात काफी अच्छी तरीके से पता है, और वो लोग इस पर अभी भी काम कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर स्टूडियो इस चीज को ठीक कर ले, वरना इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इस फिल्म पर, क्योंकि जैसा कहा गया है इस फिल्म के बजट को लेकर ये फिल्म इसके टीजर को देखने से वैसी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो अब मुझे लगता है आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस टीजर को लेकर, और जो भी लोग हेट फैला रहे हैं इसके टीजर को लेकर वो लोग अपना मुंह बंद कर ले। और अब आते हैं उन लोगों पर जो लोग काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इसके टीजर की। वेल, तो ये बात सभी को पता है कि इसका टीजर इतना भी अच्छा नहीं है कि आप लोग इसकी काफी ज्यादा तारीफ करें, क्योंकि मैंने जैसे कि क्लियर कर दिया है कि काफी सारे VFX के वर्क अभी भी क्लियर नहीं किए गए हैं। तो बस 1 मिनट और 30 सेकंड के टीजर को देखकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी बात नहीं है, तो झूठी तारीफें करना बंद कर दो। हालांकि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इस फिल्म से और इस फिल्म के मेकर से, लेकिन जब उन लोगों ने इतना बड़ा बजट कहा है इस फिल्म को लेकर तो वैसी ये फिल्म भी होनी चाहिए, लेकिन टीजर से जैसे कि मैंने कहा वो चीज हमें नजर नहीं आती है। तो मुझे लगता है आपके अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आप फालतू की वीडियोस देखकर अपना टाइम ना वेस्ट करें कि किसने इस फिल्म के टीजर को लेकर क्या कहा है और किसने क्या। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी क्या राय है 2.0 के टीजर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वेल, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।